नाना रूपे गुण दोषयो वः तथापि लोका विषम भवाम यः असो माया तान्यनु काली मृच्छति। प्रार्थना करने लगा हाथी। नमः संताय घोराय मूढ़ाये गुणधामणे निर्वेशाय सामायै नमो ज्ञानं घनाय च। प्रार्थना करता है हाथी। हे प्रभु रक्षा करो। तमाक्षरं ब्राह्म परां परेशां अद्यक्ति अध्यात्मिक योग गम्या अतेन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरां अवनन्ते माध्यम शरणं प्रपद्यते। कि मैं गजेंद्र स्त्रोता सुना रहा हूं तुम्हें भागवत की श्लोक। न चावि देवा सुरवृत्त तिर्यकाम न स्त्री न ससुरो न पुमान न जंतु न चाहि गुण दो चासन यासना पिन से दिशेषो जयतांग से नावीत तेयास चा जन्म कर्मवा उन्ना नाम रूपये गुण दोष जोआ कराय लंबा मम देहि विष्णु अगोविंद दबो धर्माधिवेति। हे गोविंद मेरी रक्षा करो रक्षा करो। हे माधव हे राधा माधव मेरी रक्षा करो। जब हाथी ने ऐसा पुकारा माताओ सुनो सुन को उठावे दिल में अति अकुलावे अप्राण संकट में आयो जब डूब गयो माथ से। प्राण संकट में आयो जब डूब गयो माथ से। व्याकुल गजराज पुकारे ब्रजराज को। अरे व्याकुल गजराज आज पुकारे ब्रजराज को कि राखो आज लाज मम छूटत तन साथ से। अरे राखो आज लाज मम छूटत तन साथ से। जब हाथी ने ऐसा पुकारा तो भगवान चक्र लेके दौड़ पड़े। सुनिए अपने भक्त की पुकार सुन के नारायण नांगे पैर पीतांबर कहीं पड़ा और भक्त राज गजराज के प्राण बचाने के लिए दौड़ पड़े और मान सरोवर के ऊपर आ गए भैया और अपना चक्र छोड़ा। चक्र मान सरोवर के जल को चीरता हुआ और जाके जैसे देखा हाथी ने कि मेरे मालिक आ गए। देखिए तो हाथी ने वही कमल का फूल तोड़ा और तोड़ के भगवान नारायण को अर्पण कर दिया। पुष्पम पत्रम फलम तोयम इति मने वव भक्षिता। पुष्प यदि प्रेम से श्रद्धा से फूल चढ़ा दे भाव न चाहिए भाव के भूखे हैं भगवान। अरे भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे भाव बिना सब साधन झूठे भाव बिना सब साधन झूठे व्यर्थ सकल विधान भाव के
देखिए माता, भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखते बस पाखान। क्या है मंदिर में? पत्थर है। भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखते बस पाखान। अरे भाव हो ये तो पाखानों में, भाव हो ये तो पाखानों में, प्रकट हो ये भगवान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे। पाखान आओ नहीं तो हर मंदिर में दिखते बस पाखान। भाव हो ये तो पाखानों में, अरे प्रकट हो ये भगवान भाव के देवा ना पाखाने ना मृणमय। भाव है तो सब कहीं भगवान है। भाव का भूखा हूं मैं, अभाव ही एक सर है। अभाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। आज भगवान प्रकट हो गए और हाथी ने पुष्प अर्पण किया। भगवान ने चक्र छोड़ा और चक्र जल को चीरता हुआ और सीधा मगर के कंठ पे लगा। कहाँ लगा बताओ? कंठ पे। एक क्षण मात्र में मगर का कंठ धड़ से अलग हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और जैसी मगर का सिर कटा
तो अपने असली रूप में आ गया हो गंधर्व सत्यमा। ओ हो गंधर्व बन गया। देखो भैया, अच्छा एक शंका होती है, फिर हाथी ऊपर आ गया, जब उसका सिर कटा तो हाथी जल के ऊपर आ गया और गंधर्व देवता बन के भगवान नारायण के सामने खड़ा हो गया। लो, लेकिन शंका एक है बंधु माताओ, कि वैसे भक्त तो हाथी था, मगर तो था नहीं नारायण का, तो मगर का उद्धार कैसे हो गया? भगवान किसके पुकारने पर गए थे, मगर के की हाथी के? थोड़ी शंका है हमें अभी अभी हो गई कि मगर के पुकारने पर गए कि हाथी के? हाथी था नारायण का भक्त, मगर नहीं था। और पहले उद्धार उन्होंने मगर का किया। भैया पहले मगर का उद्धार किया। मगर का उद्धार क्यों किया जानते हो? भगवान ने कहा मेरे भक्त के उद्धार में चाहे देर हो जाए, पर मेरे भक्त का जो पैर पकड़ता है उसका उद्धार में पहले करता हूं। भाई हाथी का तो करने गए थे, और जब भगवान ने पोजीशन देखी वहां कि वो पैर पकड़े, तो भगवान ने कहा मेरे भक्त का पैर ये पकड़े, मेरे भक्त का पैर हाथी मगर पकड़े है, तो भगवान ने पहले मगर का उद्धार किया कि जो मेरे भक्त का पैर पकड़ता है, मेरे भक्त के उद्धार में चाहे देर हो जाए, लेकिन जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है उसका उद्धार में पहले कर देता है। लिए मगर का उद्धार किया। अब धीरे धीरे हाथी जल के ऊपर आ गया। भगवान नारायण ने दहना पैर निकाला, हाथी के मस्तक में रख दिया। गजेंद्र अज्ञान बंधनम प्रमुच्यते, अज्ञान रूपी बंधन से छूट गया, वो भी देवता बन गया। और वही है लिखा है, चक्र के स्पर्श से ग्राह्य गंधर्व भायो, अरे चरण के स्पर्श से गजयोनी को मिटायो। दोनों गरुण में बैठे भगवान अपने धाम ले गए दोनों को। ध्यान से सुनना, और यही दोनों सातवें दरवाजे के पहरेदार बना दिया, जय और विजय। इनका ये तीसरा जन्म है ना, वो राजा था, वो गंधर्व था, श्राप हुई, वो हाथी बना, वो मगर बना, नारायण के द्वारा उद्धार हुआ। तीसरे जन्म में एक भाई जय बना, एक विजय बना, यही रावण कुंभकर्ण थे, यही हिरण्यकश्यप थे, यही शिषपाल और दंतवक्र थे। छह जन्म की मैंने रजिस्ट्री की बता दी, सातवीं की मैं जानता नहीं, जो भी हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ते भागवत के माध्यम से मैंने बड़े सुंदर ढंग से कजूर ग्राही की पुनीत पवित्र कथाएं सुनाए राव। अब आगे कथा चलती जाए, रुके नहीं, लंबा है का इसी सफर। आगे समुद्र मंथन की आती है। अच्छा तुम समुद्र मंथन जानते हो? मूड हलाते जाओ, जानो चाहे ना जानो, हलाओ जाओ बस। कथा बहुत मूड हलाई। एक बुढ़िया कथा सुनती थी, बहुत मूड हलाती थी, बहुत मूड। पंडित जी ने सोचा इसे बड़ा समझ में आ रहा है, पंडित तो लोग ही होते ही हैं, उनकी जाते समय कुछ दो चार से पांच से देगी, जब बहुत मूड हलाओ वो बड़ी रूप है बेचारी। कथा शुरू महाराज की उसका रोना शुरू और मूड हलाना शुरू,
महाराज जाते समय गए, कहने माता जी जा रहे हैं, कथा हो गई समाप्त, जा रहे हैं। उन्होंने सोची देगी 2-4-5 विदाई। बुढ़िया अब तो महाराज को लिपट के रोने लगी। महाराज की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, वो लिपट गई दाढ़ी में, पेट में, और इतनी रोवे। महाराज बोले, कहले माता जी हम समझते हैं कि तुम्हें कथा बड़ी समझ में आई, इसलिए रो रही हो। बुढ़िया बोली, महाराज मैं कथा से थोड़ी रो रही हूँ, कैसे रो रही हूँ? कहा मैं इसलिए रो रही कि जैसी यह तुम्हारी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, ऐसी मोई बकरा की दाढ़ी है थी, और जैसी यह तुम्हें रोग लगो वो दिन भर हले मालो, ऐसी मोई बकरा का लगो तू 3 महीना नहीं भाई कि मर गो। मैं सोचो तो वही बकरा को रोग पंडित के लगो, ये 3 महीना मर गए, इसे अमर रोग थी, इसलिए मैं रोती। देखो हम तो मूड अलाउ जाने का अलाउ तो का पता। तो भैया बैठिए, भैया बैठिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा आप समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी होगी। समुद्र मंथन, भैया मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई भैया, और वासुक नांग की रस्सी बनाई गई, और एक तरफ लगे दानों और एक तरफ लगे देवता, और खिंचाई शुरू। अब वो जैसे इस पहाड़ रखा समुद्र में, सो नीचे धसने लगा। चूंकि उसका कोई आधार नहीं था तो भगवान नारायण देवतन के बड़ी चिंता हुई कि अब कैसे समुद्र मंथन होगा, अमृत कैसे निकलेगा। सो भगवान नारायण कच्छप बने, भारी कछए, और कूद गए समुद्र में और पर्वत को अपनी पीठ पे रख। बोलो कच्छप भगवान की। 19वां अवतार है हमारे नारायण का। अश्वयज्ञ राजा के यहाँ मत्स्य बने थे भगवान, मछली। बोलो मत्स्य भगवान की। ये 20वां अवतार है। अब राम कृष्ण का होगा सो हो गए, 22-23 की नहीं हो गए, पूरे अवतार करना है। चौक सुमान साहब की तो अवतार की कथा होना। बंधु मताओ मताओ, तो एक तरफ देवता लगे हो दानो, जब पहाड़ नीचे समुद्र में धसने लगा तो भगवान नारायण ने कच्छप अवतार धारण किया। भगवान नारायण ने कच्छप अवतार धारण किया, मतलब भारी कछए बने और पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। अब खिंचाई फिर शुरू। अब वो कहीं भैया ठहर गया पर्वत, एक तरफ दानो लगे देवता, जैसे तुम मथानी नहीं चलाती हो मटकिया में, मटकी में ऐसे ही बस समुद्र मंथन है। 14 रतन निकले समुद्र से, वो कौन से रतन है? 14 बताओ, 14 रतन निकले चेला, बताओ 14 रतन। वाह 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 वाह, अरे तुम इतने होशियार, हमारे जजमान ना होते तो हम तुम्हें कथा कैसे सुनाते। श्री रंभा विश्वारिणी, श्री रंभा विश्वारिणी, अमीय शंख गजराज, अकान धैन सुर धैन तरो चंद्र कल्प मणि बाज। श्री रंभा, सबसे पहले समुद्र मंथन माता और लक्ष्मी जी निकली, भगवान नारायण को दी गए। फिर शराब निकली, शराब शराब निकली समुद्र से, शराब पीना बुरी बात नहीं है, रतन आए पियो, हम नहीं रोकेंगे। अरे रतन जतन है उसमें का,
अरे यार तुम कैसे आदमी, देखो 14 रत्नन में है ये शराब, पहले फूल की निकली थी इतनी भयानक, इतनी नशा उसमें, तुम तो बहुत ऐसी जाने कैसी पीते हो, नंबर एक बाली पियो जो समुद्र मंथन से निकली, शराब निकली तो वो भी एक रतन है शराब, लेकिन इतना ध्यान रखो कि पी के समय पियो खूब, लेकिन इतना ध्यान रखो कि वो शराब पी किसने, वो राक्षसों ने पी पर देवताओं ने नहीं पी, तो जो शराब पी है सो हम नहीं कह रहे। अरे भैया हमारी समझ में तो सब देवता हो, तुम हम कैसे कह दे, ये क्या कह दे वो ईसो को चलो जे चेला कह बाढ़ में जाए सो गुरु, हम नहीं कह रहे, पर हम कह रहे शराब राक्षसों ने पी देवताओं ने नहीं पी, जो शराब पिए सो पांच जन संख निकला, वो पांच जन संख विष्णु को दिया गया, ऐरावत हाथी निकला देवराज इंद्र को दिया गया, भाई बंटवारा है ना, दोनों मिलके कर रहे हैं दानों और देवता खिंचाई, जो निकलेगा आधा आधा है, उच्च सुरवा घोड़ा निकला उड़ंत घोड़ा, वो राजा बलि को दिया गया दानों के राजा बलि, उर्वशी रंभा निकली अप्सराएं सात स्वर्ग लोग दिव्य लोग भेजी गई चले, कल्प वृक्ष निकला स्वयं तक मणि निकली सूर्य नारायण को दी गई, क्योंकि सूर्य नारायण ने ज्यादा मेहनत की खिंचाई, चंद्रमा निकला भगवान शंकर के मस्तक पर सुशोभित हुआ, भैया लेकिन एक बात बताएं, 14 रत्न निकले लेकिन जिसके लिए मंथन हुआ था अमृत के लिए, अमृत निकलेगा आधा देवता पिएंगे आधा दानव, वो नहीं निकला, फिर खिंचाई शुरू कि अमृत निकल आवे, तो भैया अमृत तो नहीं निकला जहर निकल आया, हला हल कालकूट, समस्त देवता भागे, अब इतना भयंकर तीक्ष्ण जहर था विषधर, इतना हलाहल कालकूट था, देखिए कितना भयंकर सर्रा रहा है जहर, देखिए भागो भागो, ओटू से CO2 बना, ऑक्सीजन में मिला वो जहर हवा में, और जो कोई सूंघता था तत्काल मर जाता था, उसके सूंघने से मर जाता था, बताओ कितना, उसको कहते हैं हलाहल कालकूट, देवता भागे दानों भागे, भैया साहब भागे, ब्रह्मा विष्णु इंद्र वायु वरुण यम कुबेर दसों दिक्पाल देवता दानों सब भाग के कहां पहुंचे, भगवान शंकर के पास, और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप संहार के देवता हैं और आपकी आज्ञा के बगैर ये हलाहल जहर पूरे संसार का नाश कर रहा है, रक्षा करो भोले बाबा, जटट विगला जलम प्रवाह पाते थस्तलय, गले बेलम्ब लम्ब तांबो जंग तुंग मल्लिका, डमट 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 नाद बट बज, चकार तंड तंड नो तनो तुना से बासे, कटा कटा ये सब प्रभात कले कले जड़ी, लोला बीच बल्ला जी विराज मान मोदी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कम कांति कम सदा शिव भजो, ओम नमः शिवाय।
किशोर चंद्र सिंह रसी प्रशिक्षण धरा धरे नंद उचाक चित्र पत्र लोल बीज बंदर विराजमान मूर्ति ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः बोलो शंकर भगवान की समक्षता प्रार्थना करते हैं बोले बोले तुम बिन बोले तुम बिन भूले तुम बिन हमें है अनाथ साथ अब आ जाओ भूले तुम बिन हमें दो साथ अब आ जाओ नाथ अब आ जाओ सागर गौर विपति गन गौर अंधेरा भव सागर विपति गन गौर अंधेरा भव सागर गौर विपति गन गौर जग सर तुम जग सर जग महादेव गौर विपति घन गौर अंधेरा भव सागर
सारे जग महादेव साथे पे आ जाओ तुम जग सारे जग महादेव सब बोले देवराज इंद्र प्रार्थना करता हम असहाय अधीर हुए तीर भरी है मन सब अपुरा क्षमा करके विदो दर्शन सब अपुरा क्षमा करके बोले विनती हमारी सुनो प्रार्थना की सुनो माताओ तो भोले बाबा त्रिशूल लेके और समुद्र के किनारे आए जहाँ वो हलाहल कालकूट उपद्रव मचा रहा था वो जो है संसार को मार रहा था विनाश कर रहा था भोले बाबा ने उठाया जहर सीधा पी गए बोलो शंकर भगवान की सृष्टि को बचाने के लिए विष पान किया था दैत्यों से देवो हरे बरदान ये दिया सृष्टि को बचाने के लिए विष पान किया था
अद्वैतों से देवो हारे वरदान ये दिया। रे बंधु मताओ बोले बाबा ने जहर पान कर लिया, लेकिन वो जहर मताओ हला हल्का लूट विस्था, छूने से मर जाए आदमी, स्पर्श से मर जाए, सूंघने से मर जाए। भोले बाबा ने जहर पान किया, उस जहर को कंठ से नीचे नहीं जाने दिया, वो कंठ में ही सुखा दिया, कंठ में ही सुखा दिया। लेकिन उस जहर ने भी भोले बाबा पर असर किया माताओं, और शंकर जी का कंठ नीला कर दिया। तब से हमारे प्रभु का नाम नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। नमामि स्मीशा निर्वाण रूप विभुं व्याप्तिकं ब्रह्म वेद स्वरूप। नमामि स्मीशा निराकार ओंकार मूलम तुरीया ज्ञान गोति मी संगीरीता। सत बाहु भाले कंठी भुजंगा चलत कुंडलंभो सुनेत्रं विशाल प्रसन्नं करं कंठं दयालं। मृगाधीश जर्मा परम मुंड माला, मृगाधीश जर्मा परम मुंड माला प्रियम संकरम सर्व नाथम भजामि। हेलो शंकर भगवान के। मेरे बंधु मताओ विष्पान किया, सुनो मताओ जब भोले बाबा जहर पान कर रहे थे ना, तो उनके मुंह में फेना आ गई। फेना जानते हो जहर के, तो वो फेना सांप और बिच्छुओं ने चाट लिए। भोले बाबा के यहाँ के फेना आ गए तो सांप और बिच्छुओं ने चाट लिए फेना, इसलिए वो जहरीले हो गए। बंधु मताओ अब जहर पान भोले बाबा ने किया, मैं भागवत के माध्यम से आपको समुद्र मंथन की कथा सुना रहा हूं। अब इसके बाद पुनः मंथन हुआ, जब पुनः मंथन हुआ तो
अमृत निकला। धन्वंतर जी, धन्वंतर जी सोने का कलश में अमृत लिए और निकलते बोलो धन्वंतर भगवान की। ये भगवान का एक ऐसा अवतार था धन्वंतर होता। धन्वंतर जी सोने के कलश में अमृत लिए निकल रहे हैं समुद्र से। अरे हल्ला बोल गया, कहीं अमृत निकला या अमृत, तो देवता भागे दानव भागे और जीना छपटी पड़ी। और धन्वंतर भगवान अमृत का कलश लिए दौड़ लगा रहे और दानव अपनी तरफ खींच रहे, देवता अपनी तरफ खींच रहे। पहले हम पियेंगे, वो बोले पहले हम पियेंगे। और भैया जीना छपटी में वो छलक गया अमृत और वो चार जगह गिरा, नासिक, इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार। कुंभ पड़ने लगा, चार जगह छलका हुआ, नासिक, इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार। चार जगह छलकाओ अमृत माताओ तो चारों जगह कुंभ पड़ने लगा। जब धन्वंतर जी सब देवता ने सोचा अब तो दानव अमृत पी लेंगे, तो भगवान को याद किया, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। भैया तो मोहिनी रूप धारण किया भगवान ने और इतनी सुंदर बनी कि शंकर जी मोह गए। और की तो चलावे को दानों ने अमृत का ध्यान छोड़ दिया, मोहिनी तरफ देखने लगे, देवता देखने लगे। देवता मोहित हो गए, दानो हो गए। मोहिनी ने अमृत लिया हाथ में, कहा यदि सब सज्जनों की आज्ञा हो तो अमृत मैं बांटूं। एक पंक्ति में देवता बैठ गए और एक में दानो बैठ गए। और मोहिनी अमृत का कलश लिए और ये साथ में शराब का कलश लिए और नाच रही है और देवताओं तरफ राक्षसों तरफ मुस्कुरा रहे हैं। भगवान देखो जहाँ को मुस्की दे रहे हैं वहां को शराब पिला रहे हैं और जहाँ के गुस्सा से हेर रहे हैं वहां अमृत पिला रहे हैं। देखिए उनका एक राजनीति भी है, जिसका खाओ जिसका लो वोट उसी को ना दो, उसका ले लो उसका खा लो और वोट दूसरे को दे दो। यह राज कूटनीति है कि नहीं, ऐसे ही चलता है ना। खाओ उसी का महीना भर खूब छका छक चुनाव भर और उसी का लो और दूसरे से ले लो वोट उसके दे दे। ऐसी भगवान जिस तरफ वो हंसे उस तरफ तो शराब पिलाए और उन तो पी गए शराब, मस्त हो गए दानो। एक तो वह इतनी सुंदर थी भगवान नारायण विश्व मोहिनी, एक तो उसी को देख के मर गए दानो, होश में तो थी नहीं। जब देवता लोग बेहोश हो गए तो दानवन की तो चला गई। दूसरी बात अब अमृत पिला चाहे जहर पिला, चाहे जीवन दे दे चाहे मृत्यु दे दे, तेरे हाथ में। क्योंकि वो तो विवेक सुन्न हो गए ना। तो मोहिनी वहां हंसे भगवान, मोहिनी तो जहर पिलाए और यहाँ अमृत पिलाए और बढ़िया अच्छा सा गीत गाए। देखो और ऐसी बात नहीं माताओ, जब विष्णु भगवान की जानते हो 55 पन्ना में सुंदरता का वर्णन है कि कैसी वह मोहिनी की कमर थी, कैसी आंख थी, कैसे हाथ थे, कितने सुंदर थे, कितने ओंठ थे, कैसी लचकीली चाल थी, कैसी गुलाब जैसी मुस्कान थी। माताओ बंधु बस वो भजन गाती है और दानवों को मोहित करती, देवताओं को अमृत पिलाती है मोहिनी। मोरी भाई
मोरी भाई है सो संग प्रीत की दुनिया क्या जाने मोरी भाई है सो संग प्रीत ओ की दुनिया क्या जाने की दुनिया क्या जाने दुनिया क्या जाने की दुनिया क्या जाने मोरी भाई क्या जाने कि
की दुनिया क्या जाने बोरी भाई हसो संग भगवान की ए भगवान का 23 अवतार था माता मोहिनी अवतार ए 22 अवतार था मोहिनी अवतार भगवान के 24 अवतारों में ये अवतार भी आता है मतलब कच्छ अवतार मत्स्य अवतार मोहिनी अवतार धन्वंतर अवतार इत्यादि अवतारों की कथा भगवान नारायण की बराबर सुना रहा हूं। एक विशेष सूचना, हमारे बड़े ही माननीय सम्मानी और छोटे के बहुत ही प्रेमी और प्रेम तब कहते हैं जब प्रेमी कोई यादगार छोड़ जाता है। प्रेमी तो सब होते हैं लेकिन जब कोई प्रेमी की किसी प्रकार की यादगार होती है तो विशेष प्रेमी माना जाता है। हमारे कलू महाराज उरई से पधारे, हमारे विशेष प्रेमी विशेष स्नेही हनुमान जी के मंदिर में जब हम थे मैं आया करते थे तो बराबर कंटिन्यूस 12-2 बजे तक सत्संग होता था और वहीं कलू महाराज हमारे बहुत बड़े भगवान के भक्त थे और एक बार अंधेरी रात में बहुत बड़ी छिड़िया से पैर डगमगाया और गिर गए। हमारे उरई में रहते हैं, बहुत दिनों के बाद मिले, क्या कहें हम, साधुवाद धन्यवाद बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे कि इनका परिवार सुखी रहे और भगवान इनके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, निरोग काया करें, सुखी और संपन्न रहे। चलिए देखिए कलू महाराज हमारे उरई से आए इलाय हमें उन्होंने माल्य अर्पण किया, प्रसाद भी लाए हैं। बोलो यज्ञ भगवान के अरे बहुत प्रसाद लाए हो महाराज। वाह वाह वाह, तुम तो बिल्कुल इतना लाए हो जैसे परीक्षा होना हो, जैसे किसी की परीक्षा होना हो इतना लाए। अरे वाह, हमें कलू महाराज ने जय हो भगवान सुखी रहो हिंगरवार सुखी रहे सुख समृद्धि की ओर और हमारे महाराज ने हमें स्पेशल वैसे फोन से बात हो गई थी, नहीं लाते तो माफ़त कर देते। हमने कहा था हम थोड़ी मीठा खाते हैं तो देखो हमारे लिए मीठा का पैकेट रखो और साथ में 501 रुपया भगवान पे चढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य मैं उनके जो उज्ज्वल भविष्य और दीर्घ जीवी होने की कामना करता हूं। बहुत बढ़िया, जिजमान को तालियां, जिजमान को भी डाला माला। वाह, हमारे मास्टर साहब को ही माल्यार्पण किया कलू हिंगोसिया जी ने और पाठ वाले पंडित जी को भी। वाह सुंदर, वाह सुंदर। लो महाराज अपनी दक्षिणा ले लो। लो दक्षिणा लो भाई, बबलू भाई, सबको दो, हमारे पूरे गंधर्व लोगों को, उनको भी दो, उनको भी दो, हमारे गंधर्व लोगों को भी। उन्होंने 101 रुपया से पुरस्कृत किया। हमारे आचार्य जी जो यहाँ के सुंदर पाठ और पूजन करते हैं, जिस यज्ञ के आचार्य हैं, समस्त पीठों के पूजन के पाठ के, उन आचार्य जी को हमारे 200 रुपया से भेंट और हमें 500 रुपया दे करके बिहारी जी के चरणों में चढ़ाए। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद।
एक अलू भाई इधर आओ पहले, एक माला हमारे महंत जी को डालिए, वो माला रखा है जो इस यहाँ के मंदिर के महंत है, तिलक लगवाइए हमसे। लो भैया फोटो ले लो, अलू जी के तिलक। हमारे महंत जी जिस मंदिर के राधा माधव के चरण सेवक भी हैं, श्री लाल सिंह गुर्जर जी, बड़े भैया, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, माल्यार्पण स्वागत किया, तालियां, बहुत दिनों के बाद मिलान हुआ, बड़े स्नेही प्रेमी थे, बहुत ही हमारा स्नेही प्रेम था, हमारी एक मीटिंग थी, सभी लोग बहुत अच्छा पहले लगता था, पिताजी भी थे, भाई भी थे, कलू महाराज भी थे, वही है अब तो भूले बिछड़ी प्रेम कहानी, फिर आई एक याद पुरानी। बोलो वृंदावन के हरिलाल के, बोलो यज्ञ भगवान के। इस प्रकार से मैंने आपको बोलो यज्ञ भगवान के समुद्र मंथन की कथा सुनाई। बोलो अब चलिए मैं तुम्हें चंद्रवंश जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, भृगुवंश जिस वंश में महात्मा परशुराम जी का जन्म हुआ,